लिखा है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, कौन चलेगा उन सड़कों पर? उसके संगी वारिस, उसकी संतानें चलेंगी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का है वो सब उसकी संतानों का भी है। इसीलिए हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं ताकि वो सत्य को जान जाएं कि वो कौन है। नहीं तो गरीब सोचता, अरे मैं तो गरीब पैदा हुआ, गरीब मर जाऊंगा, गरीब ही जीऊंगा, गरीब ही मेरा हिस्सा है। लेकिन ये गुड न्यूज है कि परमेश्वर यीशु मसीह तेरे स्थान पे खड़ा हुआ ताकि तू उसके स्थान पर आ जाए। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों 8:9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि मैं धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। क्या लिखा है वहां पर? वो धनी होने पर भी। क्या परमेश्वर गरीब था? परमेश्वर गरीब था? जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया वो गरीब है? क्या लिखा है यहां पर? वो धनी होने पर भी तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए, तुम्हारी जगह पर आया। तुम्हारी कंगाली गरीबी उस जगह पर यीशु मसीह आया। लिखा है वो धनी होने पर भी कंगाल बना। उसने तुम्हारी जगह ले ली ताकि उसके कंगाल होने से तुम उसके स्थान पर आ जाओ, तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। पढ़े इसको ध्यान से दोबारा। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। क्या हो जाओ? तो यीशु बनेगा कि बन गया? हाँ, बन गया। उसने वो जगह ले ली। लेकिन हम आज प्रभु को जानते हैं, और जब आप जान चुके हो उस स्थान को ले लो जो प्रभु ने तुम्हें दिया है। उस जगह को रिसीव करो, उस स्थान को ले लो। उसने तुम्हारा गरीबी का स्थान ले लिया और तुम्हें अपने स्थान पर, वो धनी होने पर भी, इसका मतलब तुम उसके स्थान पर हो। हालेलुया। हगाए 2:8, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सारी चांदी किसकी है? हाँ, क्या कह रहे हैं प्रभु यहाँ पर? चांदी किसकी है? सारा सोना किसका है? हाँ, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। हम सोचते हैं कि सुनार का है भाई। हाँ, किसने रखा था धरती के नीचे वो सोना? वो चांदी किसने रखी थी? आज ठीक है, किसी ने सुनार की दुकान खोल ली तो बोले मैं सोना मेरा है। हाँ, कोई नहीं, पता चलेगा एक दिन किसका है। हाँ, किसने रखा था धरती के नीचे? वो क्या कह रहा है? जिसका है वो कहता है सोना भी मेरा है और तेल किसने रखा था धरती के नीचे? तांबा किसने रखा था? कोयला किसने रखा था? हीरे किसने रखे थे? हमारे बाप दादा रख के आए थे क्या? हाँ, किसने रखा था? वो सुनार है, वो रख के आया था क्या? किसने रखा था? वो कह रहा है सोना तो मेरा है और चांदी भी मेरी है। ठीक है, तुम व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो मेरा है। हम बिजनेस कर रहे हैं बस उसका, लेकिन है वो सब कुछ परमेश्वर का। एक वचन और निकालेंगे, भजन संहिता 50। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। क्या लिखा है? क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। हालेलुया। आज लोग फिश फार्मिंग का काम करते हैं,
बहुत सारे फिशरमैन मच्छी पकड़ते हैं, करोड़ों अरबों का काम है उन लोगों का, हाँ पशुओं की काम करते हैं बेचने खरीदने का, लेकिन वो किसके हैं? प्रभु क्या कहता है, वन के सारे जानवर जीव जंतु मेरे हैं और हजारों पहाड़ों के जानवर भी मेरे ही हैं। हालेलुया, आगे पढ़े। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, पहाड़ों के सब पक्षियों को हम जानते हैं क्या? कौन जानता है? जिसने उनको बनाया है। वो कहता पहाड़ों के सारे पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। और मैदान में चलने फिरने वाले सारे जानवर, ये मेरी भैंस है, ये मेरी गाय है, प्रभु कहता है वो सब भी तुम ले रहे हो, काम ला रहे हो उसको, ठीक है, बट वो मेरे हैं। आगे पढ़ेंगे। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। हालेलुया। कहते यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, मेरे लिए सेब ला, मेरे लिए लड्डू ला, मेरे लिए केले ला, मेरे लिए रोट लेके आ। हा? क्या कह रहा है प्रभु यहां पर? मेरे लिए इतने मन का खाना लेके आ। वो कहता है यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा है। हालेलुया। क्या खिलाओगे प्रभु को? हाँ, लड्डू, पेड़े, बर्फी। कहता जो कुछ जगत में है वो सब मेरा है। हालेलुया। कहता अगर मैं भूखा होता तो तुझे कहने की जरूरत है? हाँ, कश्मीर के जितने सेब हैं खा लेता मैं अपने आप तोड़ के, तुम खिलाओगे मुझे? प्रभु हमारा ये काम कर दे, तुझे लड्डू खिलाएंगे। हाँ, कहता अगर मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, क्योंकि जो कुछ जगत में है वो सब मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ जाओ वो परमेश्वर को। वो कहते अरे ये नहीं दिया इसीलिए बुरा हो गया। वो जो खाते हैं ना वो परमेश्वर नहीं है, जो मांगते हैं और खाते हैं। कहता अगर मैं भूखा होता तो तुमसे ना कहता, क्योंकि जो कुछ जगत में है वो सब मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। वो सब किसके लिए बनाया परमेश्वर ने? मनुष्य के लिए। प्रभु ने कहा स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती मैंने मनुष्य को दी है। हालेलुया। तो सोना और चांदी किसका है? वन के सारे पशु, मैदान के सारे जानवर, पहाड़ों के सारे पक्षी, जिनको वो जानता है, वो कहता है मेरे हैं। जगत और जगत में जो कुछ है वो मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे, रोमियो 8 उसका 17। और यदि संतान है तो वारिस भी, वर्ण परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन विश्वासियों के लिए है। संतान है हम परमेश्वर की? हाँ, परमेश्वर की संतान है। बाइबल में लिखा जितनों ने मुझ पे विश्वास किया मैंने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो हम किसकी संतान है? और अगर संतान है परमेश्वर की तो पढ़ो इसे, तो वारिस भी, तो
तो अगर हम परमेश्वर की संतान है तो जो कुछ परमेश्वर का है वो किसका है? हम वारिस है कि नहीं उसके? बताइए, है कि नहीं? सोना और चांदी किसका है और हम किसके हैं? उसकी संतान है, तो जो कुछ उसका है वो किसका है? हम क्या है? वारिस है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है हम उसकी संतान है और वारिस भी। सिर्फ नाम की संतान नहीं है कि हाँ जी हम प्रभु की संतान है, लिखता है जो कुछ फिर उसका है हम उस चीज के वारिस भी हैं। हालेलुया। हाँ पढ़े, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। हम परमेश्वर के वारिस हैं और मसीह के संगी वारिस हैं। कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। कौन चलेगा उन सड़कों पर? उसके संगी वारिस, उसकी संतानें चलेंगी, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर का है वो सब उसकी संतानों का भी है। इसीलिए हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं ताकि वो सत्य को जान जाएं कि वो कौन है। हालेलुया। नहीं तो गरीब सोचता, अरे मैं तो गरीब पैदा हुआ, गरीब मर जाऊंगा, गरीब ही जीऊंगा, गरीब ही मेरा हिस्सा है। लेकिन ये गुड न्यूज है कि परमेश्वर यीशु मसीह तेरे स्थान पे खड़ा हुआ ताकि तू उसके स्थान पर आ जाए। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? ये प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई सत्संग नहीं है। आपको उसको, उसकी बातों को जीना है, प्रैक्टिकल जीना है, उसे उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल जीना है। आप आए, आपने दो घड़ी सुना और आप चले गए, नहीं, उस चीज को अंगीकार करना, उसको सुनना, मानना और उसको बोलना अपने जीवन में। हाँ, मैं मसीह की संतान हूं, मैं मसीह के साथ संगी वारिस हूं, मैं परमेश्वर की सारी वस्तुओं का वारिस हूं, क्योंकि ये अधिकार मुझे, मैंने खुद नहीं, मुझे परमेश्वर ने दिया है। उसने रिटर्न में लिख के दिया है कि तुम मेरे संगी वारिस हो। हालेलुया। आपको पता चले, नहीं नहीं जी सन्नू नहीं, अमीर बनना, जो कुछ है ठीक है, ऐसी संतुष्ट है। अब पता लगे आपको कि आपके दादा की 5 एकड़ जमीन तुहाडे नाम निकल दी है, हाँ? फिर देखो अगले दिन तुसी की करदे हो, हाँ? अपना हिस्सा छड़ देंगे, फिर दो रोटियां नहीं, नहीं नहीं साड़ी है, कितना छड़ दी है, हाँ? साड़े नाम निकल दिए, पूरा जोर लगा देते हैं उसको लेने के लिए। तो जब आपको पता चल चुका है कि आपके पिता ने बोला तुम मेरे संगी वारिस हो, जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है, तो परमेश्वर से लो उन चीजों को। हालेलुया। हमें धन बुरा नहीं है पर उसका प्रेम बुरा है। समझ आ रही है आपको? यीशु गरीबी का प्रचार करने नहीं आया था, तुसी गरीब बने रहो। जो भी उसके साथ चले, चाहे वो अय्यूब था, चाहे इब्राहिम था, चाहे सुलेमान था, कोई गरीब नहीं था। हालेलुया। बाइबल में लिखा यदि तुम विश्वास करते हो और परमेश्वर की संतान हो तो क्या हो? वारिस भी हो। वारिस किन चीजों के? जो कुछ परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु कभी भी, प्रभु मैनू कार दे दे, प्रभु ने कार नहीं देनी तुहानू। परमेश्वर मैनू चंगाई दे दे, चंगाई ऐसे नहीं देनी प्रभु ने। प्रभु ने क्या देना है पता है आपको?
परमेश्वर ने अपना वचन देना है। सानू लगता संसार के लोग वो कहेंगे नहीं, 5 लाख होगा तो मेरी गाड़ी आएगी। उनका भरोसा किस पे है? पैसा आएगा तो ये आएगा। लेकिन परमेश्वर मसीह लोगों को क्या चाहिए? अगर वचन रिलीज हो गया तुम्हारे लिए तो वो चीजें हो जाएंगी। फिर आपको किसी व्यक्ति की ओर देखने की जरूरत नहीं है, वो चीजें हो जाएगी। प्रभु ने क्या बोला? मैं अपना वचन भेजकर तुझे चंगा करूंगा। लिखा डॉक्टर भेज के चंगा करूंगा हा? क्या लिखा है? मैं अपना वचन भेजकर। तो वचन ही तो ग्रहण करना है हमने, लेकिन वचन पे ध्यान नहीं होता हमारा। प्रभु ने कहा वचन भेज के। वचन कौन है? यीशु मसीह। पूरा संसार कैसे बना? धरती में सोना कहां से आया? पैसे से खरीद के डाला होगा हा? नोट से खरीद के डाल दिया होगा अंदर, ऐसा था क्या? कैसे बना पूरी संसार कैसे बना? बाइबल में लिखा परमेश्वर के वचन के द्वारा सब कुछ बनाया गया। और वही वचन है जो आज एक मसीह व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है, उसे छुड़ाने के लिए, उसे ब्लेस करने के लिए। और यहीं पे मसीह लोग चूक जाते हैं, दिमाग चलाते हैं, कैसे, कहां से, कब, क्या। ये दिमाग से समझना है तो आप संसार में चले जाओ वहां का। लेकिन अगर आप मसीह में हो, आपको पता है परमेश्वर अपना वचन भेज के मुझे छुड़ाएगा, अपना वचन भेज के मुझे चंगा करेगा, अपना वचन भेज के मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। उसने वचन दिया है, ये वचन है, उसी में सब कुछ है। और उसी के द्वारा बाइबल में लिखा है मेरे वचन के द्वारा आकाश और पृथ्वी सब चीजों की सृष्टि हुई। हालेलुया। हमें लगता रे परमेश्वर बस ज्यादा नहीं, और अब को भी तो जरूरत है हा? आप अगर पूरी धरती भी मांग लो ना परमेश्वर से तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी हजारों और करोड़ों धरतियां ना परमेश्वर के पास पड़ी हैं। आप जानते हैं हम कई बार सोच रहे नहीं नहीं ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं, परमेश्वर कहता पूरी पृथ्वी और उसका धन भी मांग लो तो भी कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे हजारों करोड़ों पृथ्वियां मैंने आकाश में रखी हुई हैं, जहां पे मनुष्य जाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। हजारों ग्रह, हजारों सूरज, हजारों चांद, हजारों तारे जो इस धरती से कई हजार गुना बड़े हैं मैंने आसमान में रखे हुए हैं। ऐसा ब्रह्मांड का परमेश्वर है वो। हालेलुया। बस ये तुम्हारी कैपेसिटी है कि कितना परमेश्वर से ले सकते हो। समझ आ रही है आपको? ऐसी धरती जैसे करोड़ों धरतियां परमेश्वर ने पहले ही बना के रखी हैं, जिनमें पता नहीं कितना कुछ उसके अंदर है। जितना जानते जाओगे ना परमेश्वर को, उतना समझ में आएगा हम किसकी आराधना करते हैं, कौन है जिसकी हम सेवा करते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसकी हम सेवा करते हैं, जो कहता है जो कुछ जगत और जगत में है वो सब मेरा है। हालेलुया। जितने तारे तुम्हें देखते दिखते ना, धरती से कई हजार गुना बड़े हैं वो, और हमें ये धरती इतनी बड़ी लगती है। तो सोचो अगर एक धरती में इतना सोना चांदी और तेल और कोयला रखा है तो इतने बड़े बड़े तारों में क्या भूसा भरा है हा? वहां पर परमेश्वर ने क्या नहीं रखा? अगर परमेश्वर चाहे क्या नहीं कर सकता? अगर तुम मांगो परमेश्वर कहता मैं दूंगा, बट हमें ना तो मांगना आता है ना हमें पता है कि वो क्या दे सकता है।
आज आप कुछ चीजें सीख रहे हो। कहता है सोना मेरा है, चांदी भी मेरी है, पशु मेरे हैं, बक्षी मेरे हैं, पूरा जगत और जो कुछ उसमें है सब मेरा है। धरती किसने बनाई? परमेश्वर ने। जो बोके काट के खाते हो वो किस कौन दे रहा है? परमेश्वर के द्वारा आ रही है सब चीजें। तो कितना धन्यवाद करना चाहिए उस परमेश्वर का, कितनी महिमा करनी चाहिए उस परमेश्वर की, जो कहता है माँ के गर्भ में जब तू आया नहीं था मैंने तेरे बिडोल तत्व को देखा है, जब तेरे अंग छोटे छोटे निकल रहे थे तेरे उस मांस के टुकड़े में से तो वो भी मैंने देखे हैं, जब तेरे अंग बन रहे थे तो मेरी पुस्तक में पहले से लिखे हुए थे। तेरी आंखें भूरी बनानी है, तेरी आंखें काली बनानी है, तेरे बाल भूरे रखने हैं, वो सब मेरी पुस्तक में पहले से लिख दिए गए थे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उस परमेश्वर की संतान है और संगी वारिस भी हैं। हालेलुया। वो क्या कहता है? सब कुछ मेरा है। अब एक लास्ट वर्स और पढ़ लेंगे, एक कुरंथियो 3:21। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे। इसलिए वो बंदा करेगा, वो इंसान मुझे देगा, वो मेरी जरूरत को पूरा करेगा। प्रभु कहता है इंसानों पे घमंड मत करो। क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। पहले क्या कहता है? सब कुछ मेरा है। अभी क्या कह रहा है परमेश्वर? सब कुछ जो मेरा है वो तुम्हारा है। हालेलुया। समझ आ रहा है कुछ? वो क्या कह रहा है? जो कुछ मेरा है, सोना चांदी परमेश्वर, जो कुछ जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा है। अब यहां पर क्या कहता है परमेश्वर? वो सब तुम्हारा भी है। हालेलुया। सब कुछ, अभी तक क्या कह रहा था परमेश्वर? सब कुछ मेरा है। अभी किसको कह रहा है ये बात? सारी दुनिया को नहीं कह रहा, वो संसार के लोगों से नहीं बात कर रहा। वो जो मसीह में है और परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं वो उनसे कह रहा है सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। जो उसकी आराधना कर रहे हैं वो कहता सब कुछ तुम्हारा है। अपनी मेंटेलिटी चेंज करें, हम अपनी सोच को चेंज करें, राजाओं की तरह सोचो। आज हम एक कंगाल गरीब भिखारी की तरह सोचते हैं। प्रभु कहता है तुम राजाओं के राजा के बेटे हो, अपनी सोच को भी वैसा बनाओ। हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया आज कुछ? यीशु मसीह तुम्हारे स्थान पर आ चुका है, आएगा नहीं, वो तुम्हें अपने स्थान पे खड़ा कर चुका है। वो तुम्हें सिर्फ जानना है कि मैं उस स्थान पे खड़ा हूं जो यीशु ने छोड़ा था मेरे लिए, और वो स्थान ब्लेसिंग का, आशीष का, बरकत का, चंगाई का, आशीषों का स्वर्गीय स्थान है वो जो प्रभु ने छोड़ा था आपके लिए। एक्सचेंज, प्रभु हमारे स्थान पर आया और हमें उसने अपनी जगह पर रखा। ये खुशखबरी है, यीशु मसीह तेरी बीमारी को ले चुके हैं, यीशु तेरे श्रापों को ले चुके हैं, वो तेरी बीमारी को, तेरी कंगाली को ले चुके हैं। अब उसने वो तुम्हारी जगह पे आए और तुम्हें अपनी जगह पे खड़ा किया है। हालेलुया। जब तक आप वचन को समझना, लेकिन हम हमारी सोच, हमारी वचन को सबसे पहले जानना। आज जाना है आपने कुछ नया? कितनों ने जाना है आज कि यीशु तुम्हारी जगह पे आया और तुम यीशु की जगह पे गए? तुमने जान लिया है कि यीशु कंगाल बना जब मैं गरीब था, तो वो गरीब बना ताकि मैं उसके स्थान पर आ जाऊं, धनी हो जाऊं।
लिखा वो धनी होने पर भी कंगाल बना तुम्हारे लिए, तो उसका स्थान कौन था, कौन सा है धनी, तुम्हें उस स्थान पे रखा। आज परमेश्वर चाहता है हम सत्य को जाने, सबसे पहले जानना और फिर विश्वास करना, उसको मानना और उसके बाद बोलना, मैं राजाओं के राजा का बेटा हूं। वो मेरे लिए कंगाल बना ताकि मैं धनी हो जाऊं, अब मैं कंगाल नहीं रहूंगा क्योंकि वो मुझे धनी होने के स्थान पर रख चुका है। हालेलुया। अंगीकार करने सही, सत्य को जानना, फिर उसको मानना और फिर उसको बोलना। कितनों को समझ में आ रही आज? शैतान झूठ पे झूठ हमारे जीवन में लाता है ताकि हम कभी उस सत्य को जान ना सकें और कभी हम उस सत्य को माने ना और अंगीकार ना करें और जिंदगी भर अपनी सिचुएशन को उसी तरह पकड़े रखें। वो कहता अब तुम मेरे संगी वारिस हो, अगर तुम मेरी संतान हो तो मेरे वारिस भी हो।